आजम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक अनुसंधान के प्रकार देखेंगे, जिसमें एक प्रकार है, तीसरा है वर्णनात्मक शोध। ये किसी भी समस्या के संबंध में यथार्थ और वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कई ऐसे सामाजिक जीवन के पक्ष होते हैं जिनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त नहीं की जाती, उनके बारे में वास्तविक सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ जोर ये इस बात पर दिया जाता है कि जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो दार्शनिक रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे। हम किसी समुदाय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन और कई विधियों का हम प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है कि किसी समस्या के अनेक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाता है। अगर अध्ययन पहले नहीं किया गया है तो किसी भी समस्या का वर्णन उचित रहता है। इसमें साधारणता या प्राकल्पना नहीं बनाई जाती और सामाजिक अनुसंधान के जो भी चरण है कि भाई समस्या का चुनाव है या जैसे अध्ययन प्रविधियां है, निदर्शन और तथ्य संकलन, पक्षपात रहित होकर के निष्कर्ष निकालना आदि चरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अनुसंधान करता है उसकी एक भविष्य वेत्ता या समाज सुधारक की भूमिका नहीं होकर के वैज्ञानिक होती है, जिसमें वो निष्पक्ष रूप से तथ्यों का अवलोकन करके प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें हालांकि जो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण बात है कि अध्ययनकर्ता को निष्पक्ष और तटस्थ रह करके जो वास्तव में घटना जैसी दिखाई देती है उसको वैसा ही प्रस्तुत किया जाए, हमारे विचार, मूल्य, मान्यताएं, दृष्टिकोण, विश्वास, इन सब को बिल्कुल अलग रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें समय, धन की या जो साधन है उन सबको देखना जरूरी होता है। इस विधि में कुछ चरणों में गुजरा जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे विषय का चुनाव किया तो उसके उद्देश्य को परिभाषित करना होता है, मौलिक प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है, अनावश्यक तथ्यों के संकलन में धन और समय की बर्बादी होती है, उसे रोका जा सकता है। यहाँ पर आप ये देखिए कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संग्रहण में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे उत्तम जो प्रविधि कौन सी होगी उसका चयन किया जाता है। निदर्शन का चुनाव, अगर समग्र बड़ा है तो मिलते जुलते कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है और प्राप्त निष्कर्ष उन इकाइयों पर ही लागू नहीं होते, पूरे समग्र पर लागू होते हैं, तो इससे समय, धन और परिश्रम बचता है और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र में जाकर के सूचनाएं एकत्रित की जाती है और उनकी सत्यता की जांच की जाती है। तथ्य एकत्रित करने के बाद उनका सारणीयन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनमें कार्य कारण संबंध देखा जाता है और उनकी विवेचना की जाती है। इसमें सांख्यिकी विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है, तटस्थ होकर के एक तरीके से तथ्यों की व्याख्या की जाती है। अंतिम चरण में जो निष्कर्ष होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है और उसके इस प्रकार से शब्दों का चयन किया जाता है कि अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग अर्थ नहीं निकाले बल्कि एक ही प्रकार का वो अर्थ निकाले, और इस रूप में एक तरीके से निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।